हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यस फ्रेंड्स, मैं वापस आ गया। आई एम बैक। मेरी एब्सेंट में विशाल ने जैसे चैनल को हैंडल किया है, उसके लिए विशाल को फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड यू नो वेर इज़ माय हार्ट, जस्ट जोक अपार्ट। फ्रेंड्स, अभी के टाइम में जब हम नया फ़ोन लेने का सोचते हैं तब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि 4G फ़ोन लूँ या 5G फ़ोन लूँ, या तो फिर इंडिया में 5G कब आने वाला है, या तो फिर मुझे 5G फ़ोन लेने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए एंड आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, सीधा वीडियो को शुरू करता हूँ। लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन कर लेना, जिससे जब जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तब तब आपके 3G, 4G या तो फिर 5G फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। एक मस्त वाली खबर आपको मैं देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी जियो 5G फ़ोन लेकर इंडिया में आने वाला है। जब जियो 4G लेकर आया था तब एक पूरा सा सैलाब लेकर आ गया था एंड आपको एंड मुझे पता है कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से अभी 4G का लुत्फ उठा सकते हैं। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में मिस्टर मुकेश अंबानी ने अनाउंस भी कर दिया है कि सेकंड हाफ ऑफ 2021 में वो जियो 5G लेकर आने वाले हैं। एंड ये 5G फ़ोन काइंड ऑफ मेड इन इंडिया होने वाला है, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत पे चलने वाला है। जियो 2021 में 5G के टावर भी डिप्लॉय करने वाला है। तो चलिए मुकेश अंबानी जी ने क्या बोला है वो एक बार सुन लेते हैं। आई अश्योर यू दैट जियो विल पायनियर द 5G रेवोल्यूशन इन इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021। It will be powered by indigenous developed network, hardware and technology components. Jio's 5G service will be a testimony to your inspiring vision of Atmanirbhar Bharat. अब क्या चाहिए, सिर्फ डेट। तो मुकेश अंबानी जी ने जैसे बताया है वैसे ही अगर हम अनुमान लगाते हैं तो लेस देन 1 ईयर में हमें जियो के फ़ोन एज वेल एज जियो का टावर भी देखने को मिल जाएगा। आप मार्केट में देख रहे हो कि धीरे धीरे 5G फ़ोन आना स्टार्ट हो चुके हैं एंड 5G फ़ोन अंडर 20,000 तो आ भी गया है। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 का एक वीडियो किया हुआ है, आई बटन में जाके आप वो वीडियो को देख सकते हो। इसका मतलब है कि 2021 में जब 5G टावर आएगा तब बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही 5G फ़ोन होने वाले हैं। एंड दोस्तों, मैं एक और बात बताता हूँ कि जब हमने 2G में से 3G में स्विच किया था, 3G में से 4G में स्विच किया था, तब जितना टाइम लगा था उतना टाइम 4G में से 5G में स्विच होने में नहीं लगने वाला है। जियो तो 5G लेकर आने ही वाला है एंड रूमर्स ये भी कहते हैं कि पीछे पीछे एयरटेल भी 5G लेकर आ रहा है। जियो एंड एयरटेल अगर 5G लेकर आ जाएंगे तो बहुत सारा इंडिया का मास कवर हो जाएगा एंड उसके बाद वोडाफोन आइडिया को तो 5G लेकर आना ही पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन कि हमें 5G फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसका क्लियर आंसर है कि हाँ, हमें 5G फ़ोन लेना चाहिए। एंड उसका दूसरा क्लियर आंसर है कि नहीं, हमें 5G फ़ोन नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप अपना फ़ोन 3 साल तक चलाते हो तो आप अभी ही 5G फ़ोन ले लीजिए। एंड अगर आप अपना स्मार्टफोन 1 या तो 1.5 साल में चेंज करते हो तो अभी 5G फ़ोन मत लीजिए, क्योंकि 1 या 1.5 साल में हमें बहुत सारे 5G फ़ोन के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो अभी आप 5G फ़ोन मत लीजिए। एंड एक और बात, अगर आप आज 5G फ़ोन ले भी लेते हो तो जब तक आपका नेटवर्क प्रोवाइडर आपको 5G नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक आपको आपके 5G फ़ोन में सिर्फ 4G नेटवर्क ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड इवन आफ्टर गेटिंग 5G नेटवर्क, जब जब 5G पूरे इंडिया में नहीं पहुंचता तब तक आपको 4G टावर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 या 4 साल तक मोबाइल नहीं चेंज करते हो तो आप 5G फ़ोन ले लीजिए, जैसे कि मैं। एंड अगर आप 1 से 1.5 साल में मोबाइल चेंजर हो तो आप 5G फ़ोन अभी मत लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैंने जियो की ओर से आने वाले 5G की इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया है
एंड आपको बताया है कि आपको 5G फोन अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। बाय बाय।